क्यों इतने धनी हो? मेरी पत्नी का ऑपरेशन नहीं करवा सकते थे? मेरी पिक्चर आई है रेड, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत पसंद की, और जिसने नहीं देखी हो फौरन देखिए, नहीं तो घर से बना के गुरुद्वारे में भेजना माता जी की अपनी एक बहुत संतोष देता है उनको, यानी नारायण सेवा जो का भाव जो है माता जी में है। अभी आपने जो डायलॉग सुना इसमें, वो डायलॉग उनके मूल रूप से जन्मजात कलाकार होने का परिचायक है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो अगली क्लिप में मैं आपको दिखाता हूँ कि श्रीमती पुष्पा जोशी किस तरह से इंजॉय करती हैं, अपने बचपन को जीती हैं। मित्रों, बुढ़ापे को एक बोझ की तरह समझने वालों के लिए इन्होंने जियो बुढ़ापा ऐसे जैसे एक कविता भी इन्होंने अपने स्वर में पढ़ी है, वहाँ सारी वो चीज़ें इनको हासिल हो रही हैं। मुझे लगता है कि शायद छठवीं सातवीं क्लास तक, जहाँ तक मुझे जानकारी है या मुझे याद है, पढ़े हुए माता जी के सारे बच्चे, तीनों बच्चे बेटी सभी लोग हाईली क्वालिफाइड हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में। सबसे मंझले वाले जो भाई साहब हैं वो प्रोफेसर हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। कुल मिला के ये परिवार शहर जबलपुर के लिए बड़ा कीमती भी है और हमें गर्व है माता जी के जो डायलॉग डिलीवरी हुई है, जिस जो दिल पे छा गई है। मेरे मित्र कुलवंत हैप्पी ने मुझे थाने से ही फ़ोन किया, वे इस समय थाने में है किसी प्रोजेक्ट के लिए, और कि भैया दादी तो छा गई। तो मैं समझ गया कि ये फिल्म रेड की ही बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप देखिए, नहीं तो दादी क्या पनिशमेंट देती हैं आपने तो सुन ही लिया है। ज़रूर देखिए और कुछ सीखने की ज़रूरत है ऐसी पर्सनालिटीज से। और मेरे शहर के बारे में एक शायर ने कहा है कि खदानों के पत्थर जो अनुमानते हैं, मेरे घर की दीवारें वो जानते हैं। ये शहर जबलपुर है, यहाँ के नाजुक संगमरमर के पत्थर भी हैं, संगमरमर की शिलाएं भी यहाँ मौजूद हुआ करती थीं। यहाँ धुआंधार है और यहाँ पर बैलेंस रॉक्स भी हैं। आपने जाना होगा जबलपुर के बारे में, यहाँ से आदेश श्रीवास्तव गए हैं, यहाँ से हमारे बहुत सारे कलाकार संघर्षरत हैं, कुछ स्थापित हैं, लेकिन माता जी को तो जैसे ईश्वर ने ये सारी चीज़ परोसी दी है। और मैं इस फिल्म में आप सबकी जाने का आग्रह करूँगा कि आप जाएं और अपने कमेंट्स दें, बताएं कि किस तरह से। वैसे मैं फिल्मों पे, मैं स्वयं ही टॉकीजों में बहुत कम जाता हूँ और फिल्म का रिव्यू देख के ही मैं देख कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि मेरी उम्र के काफ़ी लोग नहीं भी जाते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कलाकार श्रम करते हैं, पुष्पा जैसी जैसे कलाकार जो हैं, जो मेरी मम्मी की बहुत क्लोज मित्र हैं, मेरी स्वर्गीय माता जी ने अपने अंतिम समय में इनको बुलाने के लिए मुझे निर्देश दिए थे कि आंवला नवमी की पूजा ये लोग शायद साथ में मिलकर किया करती थी। तो अंतिम वर्ष में और अंतिम दिनों में मेरी माता जी ने ये कहा कि पुष्पा दीदी को बुलवा के लाइए, और मैं उनको लेके आया। और ये कुल मिला के ये कि संबंधों का निर्वाह भी बहुत बखूबी करती हैं। तो बकौल काजोल, अगर वो चाहती हैं कि माता जी को ले जाएं,
तो ये तो होने ना देंगे, हम भी जबलपुरिया हैं, हम लोग वापस ले आएंगे माता जी को, लेकिन एक बात तय है कि आप उनके साथ रहिए ज़रूर। कोई आर्टिफिशियल ज़िंदगी नहीं जीती, ओरिजिनल खालिस नर्मदांचल की बेटी हैं, होशंगाबाद जिले में जन्मी और एक प्रतिष्ठित नर्मदी ब्राह्मण परिवार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जोशी जी की पुत्रवधू बनी। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप अवश्य देखें ये फिल्म, लेकिन उसके पहले ये दो क्लिप और देखिए माता जी क्या कह रही हैं। धन्यवाद, नमस्कार। चलो चलो, 1 2 3 4 अंतरिया मार के जगाया, तुमने मेरे सपने में आया, कल तुमने ये सपने में आया, करिया।